अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब आपकी गुड़िया आ गई है हर्ष भाई, एंड आई एम श्योर आपकी गुड़िया आपकी जिंदगी बदल देगी। ये कौन पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमें ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है? राजेश, जस्ट फाइंड हिम एनीहाउ। जब दूध पी लेता है ना तो वो गुड बॉय बन जाता है। अभी आप पी लो। ये कॉमिक्स भी देखा। हमारे सारे सपने है ना जो शादी के बाद के देखे थे, सब सब टूट गए। हमें कितना अच्छा पति मिला, हमें कितना अच्छा ससुराल मिला है, सब कुछ कितना अच्छा है, वो सब कुछ मिला हमें जो एक लड़की को शादी के बाद मिलता है। मिला क्या, बोलो ना। याद है बहू, जब हर्ष ठीक था ना तो आज ही के दिन हमें वृंदावन ले जाया करता था बांके बिहारी जी की पूजा के लिए। कितना अच्छा लगता था ना हम सबको। उन दिनों को हम कैसे भूल सकते हैं अम्मा जी। हर्ष कितना मानता था बांके बिहारी जी को, राधा कृष्ण की जोड़ी को। अरे जानकी भाभी, आओ ना, आओ बैठो हमारे साथ। हम ना बांके बिहारी जी की पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं, आओ अभी हमारी मदद करो। अरे आजा बेटा, चुप कर। जानकी तू थक गई होगी ना, तू जाके आराम कर, सो जा। हाँ, कल सुबह अच्छे से तैयार होके सारे पूजा के काम संभाल लेना। मम्मी जी हमें नींद भी नहीं आ रही है तो हम प्रसाद बना देते हैं। आप लोग तो तब से काम कर ही रहे, थोड़ा आराम कर लीजिए। बैठ। ये ले, ये बांके बिहारी जी की पोशाक है, इसे तू अपने हाथों से सजा दे। जी। दादी, बांके बिहारी की पोशाक तो हर साल मैं बनाती हूँ ना, तो फिर आज जानकी क्यों? अब भाभी तो आप ही बना लीजिए ना। अरे हम कुछ और बना लेंगे। अरे नहीं 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 वंदना, तुमने बना लिया ना इतने सालों से, अब नई बहू को बनाने दे। इस बार इसका पहला त्योहार है इस घर में और बांके बिहारी जी का थोड़ा आशीर्वाद इसे भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों अम्मा जी? बिल्कुल सही कह रही है बहू, अब तुम दो बहुएं हो घर में और तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा। थोड़ा काम तुम कर लेना और थोड़ा ये कर लेगी, ठीक है? जानकी बेटा जी, बांके बिहारी जी की ये पूजा राधा और कृष्ण के प्रेम के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं जिस घर में ये पूजा होती है ना, वहाँ पति पत्नी के प्रेम और संबंध राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध की तरह बने रहते हैं। पता है उस दिन बहू के मायके से उसके माता पिता श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति भेजते ताकि उनकी बेटी और दामाद राधा और कृष्ण की तरह हमेशा सुखी रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, ये त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम का त्योहार है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर लड़की को उसके जीवन में श्री कृष्ण जैसा साथ मिले ऐसा जरूरी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, और हर गोपी को कृष्ण मिले ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कृष्ण को तो हर गोपी पसंद करती थी, प्रेम करती थी, लेकिन कृष्ण जी वो केवल राधा से प्रेम करते थे। यही कहना चाह रही हो ना तुम वंदना? जी दादी माँ, मैं जो कहना चाहती थी वो आप अच्छे से समझ गए और शायद जानकी भी समझ गई होगी, है ना? जानकी बेटा तुम ये पोशाक तैयार करो, है ना, हम लोग चलते हैं क्योंकि पूजा की और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है बेटा। भैया सुनो सुनो सुनो, बढ़िया सुनो, तुम सुनते नहीं? सॉरी सॉरी, क्या करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। नहीं वो मुझे एक बार वो करना था ना, वो ये देखो मेरा क्या बना है, ये देखो ना तुम, ये क्या कर रहे, तुम गिर क्यों गई? उठो उठो उठो, इधर मुझे प्लीज चाहिए ना, आप ऐसे प्लीज चाहिए, तुम
मेरी बात को समझ के नहीं रही। क्या कर रहे? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। आप रूम में जाइए। हाँ, लेकिन मैं वो जानकी समझ नहीं रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो मेरी गुड़िया है ना, तुम उसको कह रहा था मेरी बात सुन। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। लो, फिर से शुरू हो गया इस हर्ष का ड्रामा। इसके ड्रामे का तो मैं दी एंड करती हूँ। ठीक तो मेरी बात हर्ष, हर्ष दूर हटो, दूर हटो। तुम क्यों नहीं सुनेगी वो तुम्हारी बात? तुम मुझसे डराते हो, दूर हटो। तुम मुझे लड़ क्यों रही हो? मुझे ये हर्ष, 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 स्टॉप इट। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, आपको तो नहीं लगी ना कहीं? मैंने नहीं, मैं ठीक हूँ। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत सारे गार्ड्स लगे हुए हैं, अंदर जाना पॉसिबल नहीं होगा। और ये लड़का भी यार बाहर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता हम इसको उठा पाएंगे। बाकी बिहारी जी, अब तो कृष्ण जी और राधा जी दोनों का रूप है ना, पूरे संसार के सामने फिर भी एक रूप नहीं आते, फिर हम क्या करें? हम कैसे एक हों? क्योंकि नहीं हम हर्ष सर के साथ रह सकते हो, नहीं उनसे अलग। तो करें तो क्या करें? हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हम लाइफ में बहुत दुविधा चल रही है, समझ नहीं आ रहा। परिवार से शेयर करें तो कैसे? और हमें नहीं पता हम दोनों कभी एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। भगवान सिर्फ आपसे उम्मीद है, आप ही मदद कर सकते हैं, आप ही हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ये चेरी बेरी पूरा का पूरा सिर्फ मेरे लिए। भगवान, नशे में डराना नहीं बल्कि सॉरी का कार्ड देना चाहती थी। वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी और हमने गलत सोच लिया उनके बारे में। बाबा अंदर जाइए। मेरी क्या गलती है? सॉरी बोलने गया था ना, सिर्फ गुस्सा 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 आ रहा है मुझे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। अंदर जाता हूं तो डांटते, बाहर आता तो तुम रोक लेते, ऐसे क्या करते हैं? क्या है ऐसे? मुझे नहीं आना, मुझे कहीं नहीं आना, हट जाओ यहां से, जाओ। पापा, आपका आपकी मम्मी अंदर बुला रही है। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। रोई 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 रोई, क्या कर रही है?
क्या हुआ भैया, क्या हुआ? उसने इतने इतने खुश क्यों लग रहे हो? ये क्या है, ये क्या है? नया झूला भैया। ये मैं हूँ और ये वो है। उसने मुझे सॉरी बोला, सॉरी सॉरी बोला। और ये भी दिया है, ये स्वीट फ्रैंक है। पोशाक तो तूने बहुत अच्छी सजाई है, चल अपने हाथों से पहना दे। भैया अब आप ना जल्दी से नहा के आओ, हम आरती और पूजा करेंगे। नहीं नहाना नहीं, तुम बोल दियो कि मैंने नहा लिया से। भैया ऐसे ना भगवान जी गुस्सा करेंगे। चलो चलो चलो, हम ना भगवान जी आप गुस्सा ना करें, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से नहा के आएंगे। जल्दी आओ। शिखर बेटा, हर्ष को लेके आओ जल्दी। माँ पापा, कैसे हैं आप? ये लोग क्या कैसे? आपने बताया नहीं, मतलब बता देते तो। अरे बेटा बताना कैसा, पूजा थी तो सोचा मिलाते हैं, इसी बहाने बांके बिहारी जी की मूर्ति और ये गिफ्ट तुम्हें दे देते। जी ये लो। थैंक यू। हाँ दर्शन, दर्शन करते। ये किस लिए आया? तुम्हें कहा था ना घर से बाहर का कोई अंदर नहीं आएगा। मैंने थोड़ी ना बुलाया है, देखो हम आ गए हैं ना, सिचुएशन संभाल लेते और उनके सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करना प्लीज। अरे कैसे हो बच्चों? अरे शैतान। वैसे तो सभी लोग यहाँ पर हैं, मगर ये वंदना के देवर हर्ष जी कहाँ हैं? हर्षी को तो बुलाने शिखर गए हैं, अगर वो हर्षी को लेकर सबके सामने आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इन्हें उनके बारे में पता चल जाएगा तो ये बात इस घर से बाहर चली जाएगी और फिर हमारे पापा तक भी पहुंच जाएगी। अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा उनका? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना होगा। हम दोनों मिलके छुपम छुपाई खेलें। दादी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर उन्हें पता नहीं चला ना तो तुम ये गेम जीत जाएंगे, हमें ढेर सारे लड्डू मिलेंगे। आप चुप रहोगे ना, किसको दिखाई मत देना। आज के दिन लड़की के माता पिता बेटी और दामाद को बांके बिहारी जी की ये मूर्ति देते हैं तो बेटी और दामाद राधा कृष्ण की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते और फिर कभी वो दोनों अलग नहीं होते। यही से बैठ के देखते ना, कितना तो मजा आ रहा है ना। मजा आएगा, हम पूरी पूजा ना यही से बैठे बैठे देखेंगे, जैसे जैसे बॉक्स में बैठ के मूवी देखते ना, बिल्कुल ऐसा। अब आप दोनों आ गए हैं तो खाना खा के जाइएगा। क्या? अब इनके कहने का मतलब है कि आज बिहार पंचमी है ना, तो आज के दिन बेटी के घर खाना खाना अपशगुन माना जाता है, वरना अगर मम्मी पापा को खाने पे बुलाना किसी और दिन बुला लेना। सविता जी ठीक ही कह रही है, अपशगुन की बात है तो हम फिर किसी दिन आ जाएंगे ना। आप लोग शांति से पूजा कीजिए, हम चलते हैं। वो अभी जब मुन्ना की मम्मी डैडी आए थे और तुम्हारे मम्मी पापा कब आएंगे? मेरे लिए गिफ्ट लेके ये ले लो। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए।
हर्ष यार बंद कर ये ड्रामा, जब देखो नई जिद यार आ जाएगा गिफ्ट। छोड़ क्या मिले ड्रामा, छोड़ अभी गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। देखते रहे ससुराल वाले ना दूर रहते हैं, मून पे थोड़ी रहते हैं बेटा, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और उन्होंने गिफ्ट लेके रखा है तेरे लिए, जब तू उनके घर जाएगा ना तो वो तुझे गिफ्ट भी देंगे और तेरी तेरी खातिरदारी भी करेंगे। दबा देना तू उनका। उनके घर कब जाऊंगा मैं, जाएगा बेटा जल्दी अब पूजा कर ले उसके बाद। हम तो फिर हम लोग आरती के बाद गाड़ी में बैठ के जूम निकल जाएंगे। क्या हुआ, आरती क्यों नहीं हो रही है? चलो आरती करते हैं भाई, आरती करते हैं। बेटे के ड्रामे चल रहे हैं, आ जाओ। आज घर में पूजा है ना, तो आज नहीं जा सकते। नहीं मम्मा, दादी ने कहा था कि हम जब आरती कर लेंगे उसके बाद हम लोग गिफ्ट लेने जाएंगे। अरे बेटा, राजेश भैया को भी तो मिला है ना, तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना मम्मा। बेटा ऐसे नहीं करते, अपना नाटक बंद करो तुम। राजेश संभालो इसे। मम्मा मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे क्यों नहीं गिफ्ट मिल रहा? नहीं तुझे, मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो फिर हम दोनों साथ जन्म कैसे रहेंगे साथ में? सात जन्म रहना है तुझे इसके साथ, सात जन्म, सात मिनट साथ रहने लायक नहीं है तू। कभी मारता है, कभी सेफ में बंद करता है, कभी कुछ करता है। तेरे जैसे बच्चों को गिफ्ट नहीं मिलते, ठीक है? राजेश, अरे हर्ष, हर्ष, मैं पागल नहीं हूँ। गिफ्ट चाहिए ना, मुझे गिफ्ट चाहिए, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए, गिफ्ट चाहिए मुझे। सुन सुन सुन, तुझे तेरे ससुराल से गिफ्ट चाहिए ना, तो कान खोल के सुन। पास शक्ति रोड दरभंगा और जलियाँ लगे। अब ऐसा तो नहीं है ना आज कि तुम अपना गिफ्ट पाने के लिए दरभंगा तक चले जाओ, अपनी गुड़िया के मम्मी पापा के पास। आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके ये ड्रामा खत्म हो जाए, आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। प्रेम बंधन 10 शक्ति रोड दरभंगा। जब हर्ष का मूड खराब हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। दादी मैं देखती हूं। हर्ष मैं अंदर आ जाऊं? मैं चीटर से बात नहीं करता, चीटर से बात नहीं करता मैं। पर सबसे बड़े चीटर तो आप हो। मैं हूं? किसे? आपने मेरे साथ चीटिंग जो की है। मैंने क्या चीटिंग की है? तुम्हारे हाथ में जो भी आता है तुम उसे उठा के मेरे पर फेंक देते हो। लेकिन हर्ष तुम इतना अच्छा निशाना कैसे मार लेते हो? इसके लिए तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। नहीं मुझे प्राइज नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। हर्ष देखो मैं जानती हूँ तुम इसीलिए नाराज हो ना कि मेरे मॉम डैड आए, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, तुम्हारी गुड़िया के मॉम डैड नहीं आए, तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला। मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। आई नो आई नो आई नो। बैठो। पता है हर्ष ये जो गिफ्ट होता है ना, ये इन लड्डुओं की तरह
किसी की किस्मत में होता है और किसी की किस्मत में नहीं होता। शायद तुम्हारी इस बार किस्मत में नहीं था इसलिए तुम्हें नहीं मिला। I promise, next time जरूर मिले। Thank you. अब ऐसा तो नहीं है ना हर्ष कि तुम अपना गिफ्ट पाने के लिए दरभंगा तक चले जाओ अपनी गुड़िया के मम्मी पापा के पास। तुम थोड़ी ना ऐसा करोगे, तुम तो गुड बॉय हो। तू ओके मार दिया सर। दादी प्लीज ओके। थैंक यू बेटा हर्ष का मूड ठीक करने के लिए। पिछले 5 सालों से दिन भर में ये 100 बार ड्रामा चलता रहता है दादी। आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके ये ड्रामा खत्म हो जाए। आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। चले जानकी। तो इसका मतलब अगर मैं दबड़ंगा चला जाऊं तो तब तो मुझे गिफ्ट देना ही होगा। टेन टेन शक्ति शक्ति रो दबड़ंगा। आओ मन्नू भूख बहुत लगी है, चलो गर्मा गर्म लिट्टी और कचौरी खाकर आते। चलो चलो। मुझे मेरी गुड़िया के साथ ही रहना है और उसके लिए मुझे दबड़ंगा जाकर गिफ्ट्स भी लाना होगा, तभी तो हम लोग 7 दिनों तक साथ में रहेंगे। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है राजेश। जब तक वो ब्लैकमेलर पकड़ा नहीं जाता ना, हमें हर्ष को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। अरे वो हर्ष, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो जानकी जानकी फिर से भाग गई है। क्या शिखर को भेजा है उसके पीछे उसे ढूंढने? अभी तक हर्ष का कोई पता नहीं चला। हर्ष को कल रात को दवाई तो दी थी और उसे दवाई नहीं मिली तो, हे भगवान,